नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवीव ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार PhD गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से बताता हूं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स का अर्थ होता है सत्ता, शक्ति, पावर, अधिकार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। राजनीति जैसे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग आने के इच्छुक नहीं होते हैं और जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं वो सभी एक जैसी सफलता, उच्चता, गौरव या पद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यक्तियों का राजनीतिक दायरा बहुत छोटा होता है, उनकी कोई पहचान नहीं होती है, परंतु कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत छोटे स्तर से ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं। राजनीति में आने के लिए जातक की कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं जो जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति में सहयोग करने वाले ग्रहों की। सूर्य, राजनीति में सर्वप्रथम सूर्य का विचार किया जाता है। सूर्य सत्ता, राजनीति, यश, राजा, उच्च पद, आत्मा, गौरव, अहंकार, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, दृढ़ शक्ति का कारक होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, नियंत्रण शक्ति व प्रसिद्धि का भी कारक है। परंतु सूर्य के ये कारक जातक को शुभ अवस्था में तभी प्राप्त हो सकते हैं जब सूर्य शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में हो। सूर्य यानी कि बलि होना चाहिए। यदि कुंडली सूर्य में बलि ना हो यानी कि नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, राहु केतु एक्सेस में हो या त्रिक भावों में हो या त्रिक भावों के स्वामियों से युति हो तो यह सूर्य जातक के जीवन में कष्ट अधिक देता है, ना कि सत्ता या अधिकार। गुरु, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ग्रहों में गुरु को मंत्री का पद प्राप्त है। गुरु ज्ञान, महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी का कारक होता है। गुरु प्रधान व्यक्ति अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं। यदि बलि गुरु का संबंध जातक के लगन या लग्नेश से हो तो जातक उच्च कोटि का सलाहकार होता है, परंतु कुंडली में गुरु बलि होना चाहिए तथा गुरु का संबंध लगन लग्नेश दशम दशमेश से केंद्र कोण में होना चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा को ग्रहों के मंत्रिमंडल में रानी का दर्जा प्राप्त है। यह सूर्य की तरह राशि ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा बलि हो तो जातक जनता के दिल में जगह बना लेता है,
ऐसे पॉलिटिशियन को जनता पसंद करती है और वह जनता के हित की ही बात करते हैं तथा जनता में प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। लोगों की भलाई सोचने वाला होता है। यदि चंद्रमा स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो जातक की प्रसिद्धि आसमान छूती है। मंगल, मंगल एक क्रूर व उग्र ग्रह है। ग्रहों में सेनापति है। मंगल का वर्ण क्षत्रिय है। मंगल प्रधान व्यक्ति के ऊर्जा, साहस, पराक्रम अधिक होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे जातक युद्ध में कौशल प्रवीण होता है। इनमें फाइटिंग स्पिरिट अधिक होती है। मंगल प्रधान जातक यदि पॉलिटिक्स में एक्टिव होता है तो जातक किसी भी सिचुएशन से डरते नहीं हैं। इनके डिसीजन को बदलना बहुत कठिन होता है। विरोधी ताकतें ऐसे जातकों से ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाती हैं तथा हार मान लेती हैं। एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन की कुंडली में मंगल स्वराशि, उच्च राशि या मित्र ग्रहों की राशि में शुभ भावों में स्थित होना चाहिए। इसके पश्चात शनि। शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। आजकल जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं उनमें, उनकी कुंडलियों में शनि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। शनि चलाकी, मक्कारी से संबंध रखता है। कुंडली में यदि शनि बली हो तो जातक पॉलिटिक्स में रुचि लेता है। कुशल नीतिकार होता है। शनि सेवक है तो कहीं कहीं ये समाज कल्याण के कार्य भी के लिए भी प्रेरित करता है। यदि बलि शनि का 10th हाउस या 10th लॉर्ड से संबंध बन जाए तो जातक लंबी व बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और उन्हें सख्ती से लागू भी करवाते हैं। यदि शनि उच्च राशि स्वराशि का होकर केंद्र में स्थित हो तो ये शश योग बनता है, जातक को पॉलिटिक्स में एक्टिव कर देता है। राहु, राहु एक पाप ग्रह है। राहु छाया ग्रह है। राहु राजनीति का कारक है, परंतु राहु प्रधान पॉलिटिशियन की इमेज साफ सुथरी नहीं होती। ऐसे लोग किसी न किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं क्योंकि इन लोगों को राजनीति साफ सुथरी नहीं करनी होती है। ऐसे लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं, षड्यंत्र करना, दंगे फसाद करवाना जैसे गलत कार्य करवाते हैं। अब बात करते हैं भाव और भावेश की। 10th हाउस 10th लॉर्ड दशम भाव हमारा कर्म भाव है। दशम भाव से हम यश, मान सम्मान, लीडरशिप क्वालिटी, पॉलिटिक्स में सक्सेस, उच्च पद और पावर देखते हैं। यदि 10th हाउस का संबंध शुभ ग्रहों से हो और 10th लॉर्ड स्वराशि का या उच्च राशि में हो, केंद्र कोण में हो, तो राजनीति संबंध रखने वाले ग्रहों से संबंध बनने के कारण जातक पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाता है, सरकार में उसकी पहुंच होती है। नेक्स्ट 5th हाउस 5th लॉर्ड कुंडली में 5th हाउस धर्म त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव से हम मंत्री पद, सरकार से लाभ का भी विचार करते हैं। यदि 5th हाउस 5th लॉर्ड बली हो तो जातक को मंत्री पद या उच्च पद प्राप्त हो सकता है। लेकिन 5th हाउस 10th हाउस से 8th हाउस है, ये पदच्युति का भी भाव है। यदि 5th हाउस निर्बली हो तो पद से हटना, सस्पेंशन, टर्मिनेशन भी दिखाता है, परंतु यह पोजीशन तब होती है जब 5th हाउस 5th लॉर्ड और 10th हाउस 10th लॉर्ड दोनों ही निर्बली हो तथा दशा भी अशुभ हो। 9th हाउस 9th लॉर्ड 9th हाउस भाग्य भाव होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य भी स्ट्रांग होना चाहिए। यदि भाग्य अच्छा हो तो जातक अपने कर्मों से अपना भाग्य बना लेता है। यदि 9th हाउस 9th लॉर्ड दोनों बली हों, यानी कि शुभ राशि के हों, उच्च राशि के हों, शुभ ग्रहों से युक्त हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, केंद्र कोण में हों, तो जातक का भाग्य बली होता है। नेक्स्ट 2nd हाउस 2nd लॉर्ड 2nd हाउस वाणी का भाव है। यदि कुंडली में 2nd हाउस 2nd लॉर्ड का संबंध शुभ ग्रहों से हो तो जातक की वाणी प्रभावशाली होती है। वह कुशल वक्ता होता है। अन्य व्यक्तियों पर जातक की बातों का अधिक प्रभाव पड़ता है। 3rd हाउस 3rd हाउस 3rd लॉर्ड कुंडली का 3rd हाउस साहस पराक्रम का भाव होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए साहस व ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे पॉलिटिक्स हो।
यदि थर्ड हाउस बलि हो तो जातक के रिलेशंस अच्छे होंगे, जातक की जान पहचान अच्छी होती है। थर्ड हाउस एनर्जी साहस का, पराक्रम का होता है। यदि थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड का संबंध टेंथ हाउस या लगन के साथ हो तो जातक अपने कर्म में पूर्ण साहस व ऊर्जा के साथ जुड़ा रहता है। लगन लग्नेश, कुंडली का फर्स्ट हाउस जातक स्वयं होता है। लगन से हम शरीर, हेल्थ, मान सम्मान, चरित्र, प्रकृति, स्वभाव, मस्तिष्क, सुख दुख सहन करने की शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं। यदि लगन और लग्नेश बलि होंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा रहेगा, जातक जीवन में आने वाली सिचुएशंस को अच्छी तरह समझ सकता है। सिक्स हाउस और सिक्स लॉर्ड, सिक्स हाउस त्रिक भाव होता है, छठा भाव त्रिष्ठा भाव और उपचय भाव भी है। छठे भाव से हम ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, संघर्ष, परीक्षा, सेवा भाव भी देखते हैं। यदि कुंडली में सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड बलि हो तो जातक जीवन में किसी भी संघर्ष से घबराता नहीं है, साथ ही उसमें सेवा भाव भी होता है। ऐसे जातक पॉलिटिक्स में अगर जाते हैं तो वो देश व समाज की सेवा करने का भाव रखते हैं। अब मैं आपको कुंडली में पॉलिटिशियंस बनने के योग बताता हूँ। सबसे पहले टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड को देखना चाहिए। यदि सूर्य टेंथ हाउस में शुभ राशि या उच्च राशि में स्थित तो, या राहु सिक्स हाउस टेंथ हाउस इलेवंथ हाउस में स्थित तो जातक राजनीति में सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट, टेंथ हाउस में कोई उच्च का ग्रह स्थित हो तथा शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो। नेक्स्ट, टेंथ लॉर्ड अपनी उच्च राशि में शुभ भावों में स्थित हो। नेक्स्ट, यदि कुंडली में टेंथ हाउस में मंगल शनि की युति हो और इसका शुभ संबंध टेंथ लॉर्ड के साथ हो तो जातक समाज के लिए कार्य करता है, क्योंकि शनि सोशल सर्विस करवाता है, मंगल में लीडरशिप क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, यदि कुंडली में गुरु बलि हो और गुरु का संबंध भाग्य भाव या कर्म भाव से हो या नाइन्थ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड से हो तो जातक एक्टिव पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है। यदि कुंडली में राहु छठे भाव में, सातवें भाव में, टेंथ भाव में या इलेवंथ हाउस में हो या इनके स्वामियों से संबंध बनाता है तो जातक राजनीति में रुचि लेता है। ग्रहों में सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, दोनों राशिक ग्रह हैं। यदि सिंह लगन में सूर्य और कर्क लगन में चंद्रमा बलि हो तो जातक में लीडरशिप क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, यदि कुंडली में सेकंड हाउस में बुध या गुरु शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो और सेकंड लॉर्ड भी अपनी उच्च राशि में हो तो जातक बहुत अच्छा वक्ता होता है तथा राजनीति में सफल हो जाता है। नेक्स्ट, भावात भावम नियम के अनुसार सेवंथ हाउस दशम से दशम होता है, यह सूक्ष्म कर्म स्थान है। यदि सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड का संबंध टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड से हो जाए तो जातक राजनीति में रुचि लेने वाला होता है। यदि यह संबंध केंद्र कोण में या लाभ भाव में या सेकंड हाउस में हो या दोनों में से कोई ग्रह शुभ राशि का हो या उच्च राशि में हो तो जातक की राजनीति में अच्छी इमेज बनती है। यदि कुंडली में सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड का संबंध टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड से हो तो जातक सेवा भाव निस्वार्थ भाव से राजनीति में करता है। हमें जन्म कुंडली में D1 के अतिरिक्त D9 और D10 भी देखना चाहिए, यानी कि D1, D9, D10 तीनों को देखना चाहिए। यदि इन तीनों में ही योग बन रहे हों तो जातक एक सफल पॉलिटिशियन बन सकता है। नमस्कार।